इस प्रतिकूल अवस्था में भी कृषि का क्षेत्र और ग्रामीण भारत लगभग ठीक प्रकार से काम कर रहा है, यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से संतोष की बात है कि जब लॉकडाउन घोषित हुआ उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता पर गांव गरीब किसान रहा, और उसी का परिणाम है कि जब संकट का काल था और लॉकडाउन घोषित हुआ और किसान की फसल खेत में खड़ी थी कटने के लिए, लेकिन सरकार ने कटाई के लिए किसान को, मजदूर को, हार्वेस्टर को अनुमति प्रदान की, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अनेक प्रतिकूलताओं के बावजूद भी किसान पूरी ताकत से अपने दायित्व का निर्वहन किया। उसने दलहन तिलहन गेहूं धान सारी कटाई के काम को पूरा किया, और फसल आने के बाद ग्रामीण क्षेत्र और कृषि में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि उसकी फसल को वाजिब दाम पर बेचा जाए। यह परिस्थिति थी क्योंकि लॉकडाउन था और सारे लोग चिंतित थे कि खरीद कैसे होगी, लेकिन भारत सरकार ने नेफेड और एफसीआई को निर्देश दिए कि इस परिस्थिति में भी किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए, और इन दोनों एजेंसियों ने राज्यों के साथ मिलकर प्रक्रिया शुरू की। और आप देख रहे हैं कि आज 203 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद हो गई है। किसान ने योद्धा बनकर इस परिस्थिति में लड़ाई लड़ी और उसने सारी फसल को बचाने में सफलता प्राप्त की। जहां तक मंडी में या क्रय केंद्र पर खरीद का मामला है तो थोड़ी बहुत असुविधा तो निश्चित रूप से इस परिस्थिति में होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपके माध्यम से देश भर के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि खरीद के लिए नेफेड और एफसीआई दोनों तैयार हैं, खरीद का काम चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए बाकी हेल्थ की एडवाइजरी का पालन करते हुए ये काम होना है, तो निश्चित रूप से इसकी गति थोड़ी सी पिछले बार से धीमी है, लेकिन अभी समय हमारे पास पर्याप्त है और खरीद भी जिस प्रकार से हो रही है, मैं समझता हूँ 50% से अधिक खरीद का जो लक्ष्य हमारा था वो पूरा हो गया है, और आने वाले कल में भी किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। यह मैं आपके माध्यम से किसान बंधुओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ।